आज हम अपने इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट के अंतर्गत टॉपिक प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन को एक एक्सरसाइज के माध्यम से प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन के बारे में बताएंगे, किस प्रकार से ड्रा करेंगे। तो हमारी आज की एक्सरसाइज है ड्रा दी प्रोजेक्शंस ऑफ ए रोम्बस हैविंग डायगोनल्स 125 mm एंड 50 mm लॉन्ग। द स्मॉलर डायगोनल ऑफ विच इज पैरेलल टू बोथ द प्रिंसिपल प्लेन्स व्हाइल द अदर इज इंक्लाइंड 30 degrees टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो ये ए बी सी डी ये रोम्बस है जिसकी लॉन्गर डायगोनल 125 mm है और शॉर्टर डायमीटर बी डी 50 mm है। तो इसका हमको प्रोजेक्शन ड्रा करना है। तो इसकी एच पर प्रॉब्लम कंडीशन है कि ये जो है ये बी डी स्मॉलर जो स्मॉलर ये बी डी स्मॉलर जो डायगोनल है पैरेलल टू बोथ द प्लेन। तो इस प्रकार से है ये बी डी जो है पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल प्लेन एज वेल एज वर्टिकल प्लेन। और दूसरी कंडीशन है कि ये लॉन्गर जो डायगोनल है ये वाला लॉन्गर डायगोनल ये 30 degrees इंक्लाइन टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो सबसे पहले हम जो है इसको इसका ट्रू शेप ज्ञात करेंगे। तो हम ये मानेंगे कि ये जो है इस प्रकार से रखा हुआ है हॉरिजॉन्टल प्लेन पर, इस प्रकार से रखा हुआ है हॉरिजॉन्टल प्लेन पर। तो इससे हमको ये ट्रू शेप टॉप प्लांट मिल जाएगा, है ना। तो फिर हम इसको ड्रा करते हैं इसका ट्रू शेप। तो सबसे पहले हमने ये जीरो पे ये फिक्स किया ड्राफ्टर और ये हमने ये इसका लॉन्गर डायगोनल ड्रॉ किया 125 mm लॉन्ग और इसके सेंटर से एक पॉइंट ये 50 mm हमने यहां से ये मेजर करके 50 शॉर्टर डायगोनल भी ड्रॉ कर दिया। इन पॉइंटों को हमने ए बी सी डी मिला दिया इसको। ये कैपिटल ए बी सी डी है तो हमने ये इसका जो टॉप व्यू रहेगा ये इसको स्मॉल लेटर्स में डिनोट करते हैं। फिर हमने इसको प्रोजेक्टर ड्रॉ किया, इसके प्रोजेक्टर हमने ये ड्रॉ किया इस प्रकार से। तो हमको ये का ए डैश मिल गया रेफरेंस लाइन के ऊपर और बी और डी हमको यहां मिल गया बी डैश डी डैश और सी को प्रोजेक्टर डाला तो हमको ये सी डैश मिल गया सी का। तो इस प्रकार से हमको ये ट्रू शेप ऑफ रोम्बस मिल गया और ये हमारी ट्रू लेंथ ए डैश बी डैश डी डैश और सी डैश ये हमको मिल गया। अब ये है कि हमारा ये प्रोजेक्ट जो रोम्बस प्लेन है ये 30 degrees इंक्लाइन विद द हॉरिजॉन्टल प्लेन, इस प्रकार से 30 degrees इंक्लाइन है ये, इस प्रकार से 30 degrees। तो हम ये 30 degrees इसको ट्रू शेप को इंक्लाइन कर देंगे इस प्रकार से। तो हमने ये लाइन खींची यहां पर 30 degrees इस प्रकार से हमने इसको टर्न किया और ये 30 degrees हमने ये लाइन यहां ड्रॉ कर दी। अब चूंकि ये फ्रंट व्यू है तो हमको एंगल 30 degrees दिखेगा और इसकी लेंथ ट्रू लेंथ हमको पूरी दिखेगी ये। तो हम इसको यहां ट्रांसफर कर दिया इस प्रकार के कंपास के हेल्प से। ये इसका ये लेंथ लिया हमने, ये हमने इस प्रकार से हमने ये आर्क लगाया। तो इस सी पॉइंट ए डैश यहाँ एक्सिस पे है रेफरेंस लाइन पर है और सी हमको यहाँ मिल गया सी डैश। इस प्रकार से ये ए से बी बी और डी डैश कहाँ पर है ये इसको भी हमने मेजर कर लिया यहाँ पर और यहाँ पर ये ट्रांसफर कर दिया आर्क लगा के ट्रांसफर कर दिया। तो हमको बी डी हमको मिल गया। अब इसके बाद हमने जो है फिर ये प्रोटेक्टर को हम जो है वर्टिकल ड्रॉ करेंगे, प्रोजेक्टर ड्रॉ करेंगे इस प्रकार से।
ए डैश से यहां ड्रॉ किया, बी डी से भी ड्रॉ किया और सी से भी ड्रॉ किया, और हॉरिजॉन्टल जो लोकस है डी पॉइंट का लोकस भी ड्रॉ किया हमने ये, और ये इस प्रकार से ए और सी का लोकस भी हमने ड्रॉ कर दिया यहां पे, और बी बी का लोकस ड्रॉ किया। तो ये हम देखते हैं कि यहां पर ये ए का लोकस ये आ रहा है यहां पर, ये डैश जो है इसका प्रोजेक्टर यहां पे आ रहा है, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ए वन मिल जाएगा। इस प्रकार से बी और डी का भी हमको यहां मिल जाएगा, ये डी का है लोकस और ये बी का है लोकस, तो ये दोनों पॉइंट हमको बी वन और डी वन मिल जाएगा। सी का प्रोजेक्टर ये है, सी का लोकस ये यहां से ये है, तो सी वन मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हमको ये टॉप व्यू हमको मिल जाएगा रोम्बस का। तो इसका नेम हमने ए वन बी वन सी वन डी वन दे दिया। अब ये स्क्यूज रहेगा क्योंकि एंगल पर टर्न है इस प्रकार से, तो हमको ये थोड़ा शॉर्ट दिखेगा, ये लंबा ज्यादा, ये इसकी कम है डायगोनल, क्योंकि ये टर्न है एंगल से। इस प्रकार से ये टर्न है ये, तो जब हम टॉप से देखेंगे तो इसकी लंबाई हमको कम दिखेगी, लेकिन ये फ्रंट व्यू में हमको ये पूरी लंबाई दिखेगी यहां पर। तो हमारा ये सेकेंड स्टेज पूरा हुआ। अब थर्ड स्टेज में हमको ये कहा जा रहा है कि ये जो इसके शॉर्टर जो है डायगोनल है, ये पैरेलल टू बोथ द प्लेन है वर्टिकल। तो इस प्रकार से ये है, ये देखिए इस प्रकार से ये है। तो अब जब ऐसे रखेंगे तो ये बीडी जो है वर्टिकल प्लेन की भी हॉरिजॉन्टल है और हॉरिजॉन्टल प्लेन की भी हॉरिजॉन्टल है। इस प्रकार से देखें आप, ये इस प्रकार से दोनों प्लेन के हॉरिजॉन्टल है शॉर्टर डायगोनल। तो हम इसको इस प्रकार से ये कर देंगे, ए पॉइंट ये बी सी इस प्रकार से है ये। तो इस प्रकार का हम इसको बी टर्न दे देंगे, इसको टर्न देंगे तो ये ए पॉइंट इधर आ जाएगा, डी इधर आ जाएगा, बी यहाँ नीचे आ जाएगा इधर साइड में, और सी नीचे आ जाएगा। इस प्रकार देखिए आप, ये इस प्रकार से ये टर्न दे दिया। तो हम इसको, इसके लिए हमने सबसे पहले इसको बनाने के लिए हमने पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने ये यहां से नीचे, और इसके बराबर ए और सी के ए वन सी वन के बराबर हमने इसको कट किया। ए वन सी वन लिया हमने यहां पर, और ये हमने ये कट किया इसके बराबर, तो हमको ए वन और सी वन मिल गया। और इसी प्रकार जब इसका सेंटर लिया इसको एक हमने, और ये सेंटर से फिर से हमने इसको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ये इस प्रकार से। अब ये दूरी दोनों को मेजर करना है सेंटर से, तो हम फिर से कंपास की हेल्प से ये हम जो है बी वन दूरी इतना है और इस यहां से डी वन की दूरी दोनों बराबर है, तो इस प्रकार से हम जो है ये आर्क लगा लेंगे इस लाइन के ऊपर, तो ये बी वन मिल जाएगा और यहां पे भी लगाएंगे आर्क तो ये डी वन मिल जाएगा। तो हम इस प्रकार से ये हम रोम्बस को पूरा करेंगे इस प्रकार से। ये पॉइंट इसको हम जो जोड़ देंगे इसको इस प्रकार से, इसको ज्वाइन करेंगे इस प्रकार से ये। तो हमको ये सेव हमको इस प्रकार खाली टर्न दिया हमने, ताकि ये जो ये शॉर्टर डायगोनल है ये दोनों प्लेन के पैरेलल आ जाए एज पर प्रॉब्लम। अब हमने इसको फिर से इसके प्रोजेक्ट ये हमको ये सेव मिल गया ट्रांसफर करके इससे, तो हम इसको फिर से ये हम प्रोजेक्टर ड्रॉ करेंगे ये इस प्रकार से, और ये हॉरिजॉन्टल ट्रेसेस भी सी का लोकस ये है और बी और डी का लोकस ये है, और ये तो हमारा ए इसके ऊपर है एक्स वाई रेफरेंस लाइन पर है। तो हम फिर से इसको प्रोजेक्टर ये है बी वन का, और बी वन का लोकस यहां से आ रहा है, तो दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट ये मिल गया हमको। इसी प्रकार से ए का प्रोजेक्टर ये है, और ये चूंकि ये एक्स वाई रेफरेंस लाइन पर है तो ये हमको ए वन डैश मिल गया। इसी प्रकार से सी का प्रोजेक्टर ये है और सी का लोकस ये है, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट सी वन डैश मिल गया। इसी प्रकार से डी भी हमारा
इसका प्रोजेक्टर ये है और डी का जो है लोकस ये है, तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट डी मिल गया। तो इसको हमने a1 b1 c1 d1 हमको मिल गया। तो इस प्रकार से हमारे ये ट्रू फ्रंट व्यू मिल गया और ये ट्रू टॉप व्यू मिल गया रोम्बस का। तो हमारे ये ट्रेसिस का ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। आपको इसको समझने के लिए हमारे पुराने सारे वीडियो भी देखना पड़ेंगे ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए, और आपको इसमें कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट्स में लिखकर भेजें, हम कोशिश करेंगे कि इसको जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो ये वीडियो हमें आपको पसंद आया हो तो कृपया इसको लाइक करें, शेयर करें स्टूडेंट में, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी वीडियो हम डालूँ आपको तत्काल उसकी जानकारी मिले। ओके, थैंक्स।